सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ की। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम जो है चार्ल्स ग्रिफिन की। गाइस चार्ल्स ग्रिफिन ने जो है अपना रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर किया है। अगर हम जो है इनकी फिजिक की बात करें तो फिजिक में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। बाइसेप्स काफ़ी बड़े लग रहे हैं और इनके जो लैट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से खुलते हैं। तो फ्रंट से बॉडी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है बैक डबल बाइसेप्स की, तो गाइस बैक डबल बाइसेप्स में लैट्स बड़े होने के कारण इनकी जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, जिसके कारण इनका जो फ्रेम है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है। बाइसेप्स काफ़ी अच्छे पीक कर रहे हैं और ओवरऑल फिजिक में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। गाइस चार्ल्स ग्रिफिन की जो फिजिक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर ये अच्छा मसल मास अपनी फिजिक पर पुट डाउन कर ले तो मिस्टर ओलंपिया में जो है काफ़ी अच्छी प्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया में चार्ल्स ग्रिफिन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह जनरेशन आयरन की तरफ से। गाइस जनरेशन आयरन ने जो है एक पोस्ट अपलोड किया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि रेमंड डाइनो का कहना है कि इस बार वो जो है क्रिस बमस्टर को जो है 2022 के जो है मिस्टर ओलंपिया में सरप्राइज कर देंगे। गाइस जिस हिसाब से जो है रेमंड डाइनो अपनी फिजिक में इस बार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि क्रिस बमस्टर को जो है इस बार के मिस्टर ओलंपिया में जो है सरप्राइज कर सकते हैं। अभी तो मिस्टर ओलंपिया में ही पता चलेगा कि रेमंड डाइनो जो है कैसे इंप्रूवमेंट करके आते हैं अपनी फिजिक में। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हंटर लवराड़ा की, तो गाइस हंटर ने भी जो अपना फिजिक अपडेट शेयर किया है। फिजिक में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर इनकी जो फिजिक की बात करें तो फिजिक में काफ़ी अच्छा मसल मास इस बार जो है हंटर ने अपनी फिजिक में जो है लोड किया है। ग्लूट्स काफ़ी बड़े लग रहे हैं और बैक में काफ़ी अच्छा साइज ऐड किया है। लेग्स भी काफ़ी बड़ी लग रही हैं और बाइसेप्स भी काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। गैस कमजोरी जो इनकी फिजिक में एक दिखाई देती है वो इनकी चेस्ट। गैस ये जब साइड चेस्ट का पोज करते हैं तो इनकी जो चेस्ट है वो इतनी ज़्यादा फुलर नहीं दिखाई देती है। तो देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया तक जो है हंटर लवराड़ा अपनी चेस्ट में जो है कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं। फिजिक को डे बाई डे जो है हंटर लवराड़ा काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। आगे बात करते हैं आंड्रे फर्ग्यूसन की फिजिक अपडेट की। गैस आपको पता होगा कि आंड्रे फर्ग्यूसन जो है कम्पीट करने वाला है डेटोना प्रो को, जो कि अगले महीने होने वाला है। अगर हम जो है इनकी फिजिक की बात करें तो फिजिक में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं आप। यहाँ पर जो है इनकी फिजिक में काफ़ी अच्छी हार्डनेस और कंडीशनिंग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। गाइस पिछले शो में जो है आंड्रे फर्ग्यूसन हार गए थे क्योंकि इनकी जो फिजिक थी वो फाइनल में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो इस बार जो है अपनी कंडीशनिंग को वो जो है काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं और इस बार के जो है प्रो शो में जो है वो काफ़ी हार्ड कंडीशनिंग को जो है लेकर आने वाले हैं। तो देखते हैं कि आंड्रे फर्ग्यूसन का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो गाइस लास्ट में बात करते हैं कुछ इंडियन बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है राजा अजीत की। गाइस राजा अजीत ने जो है अपना फिजिक अपडेट शेयर किया है। साइड चेस्ट का पोज उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। अगर हम जो है इनकी फिजिक की बात करें तो फिजिक काफ़ी बेहतरीन है। ये जो है अपनी फिजिक में काफ़ी अच्छी जो है हार्ड कंडीशनिंग और एकदम जो है रेजर शार्प जो है कंडीशनिंग को लेकर आते हैं। फिलहाल इस बार जो है इन्होंने प्रो कार्ड को जीता था और इस साल ही जो है इन्होंने दो प्रो शोज में जो है कम्पीट कर लिया है और काफ़ी अच्छी जो प्लेसिंग को लेकर आए हैं, तो जिसके कारण मुंबई प्रो शो में जो है इनकी हाइप काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो देखते हैं कि मुंबई प्रो शो में जो है राजा अजीत का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह सुनीत यादव की तरफ से। गाइस सुनीत यादव ने जो है अपने इंस्टाग्राम पर एक जो है पोस्ट शेयर किया है और नीचे कैप्शन में लिखा है गेट रेडी फॉर बैंग बैंग। तो गाइस इससे जो हमें एक हिंट मिल रहा है कि मुंबई प्रो शो में जो है सुनीत यादव भी जो है कम्पीट करने वाले हैं। अगर हम जो इनकी फिजिक की बात करें तो फिजिक काफ़ी शार्प लग रही है। फिजिक में काफ़ी अच्छा मसल मास जो है पुट डाउन कर रहे हैं। गाइस इस बार लग रहा है कि सुनीत यादव भी जो है इंडिया के फर्स्ट जो है प्रो शो में जो है कम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि इनसे जो हमारी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनकी जो फिजिक है वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडियन बॉडी बिल्डिंग में। तो देखते हैं कि सुनील यादव इस मुंबई प्रो शो में जो है कम्पीट करते हैं या नहीं। लास्ट में बात करते हैं अनस्टॉपेबल यानी कि सिद्धांत जायसवाल की तरफ से। गाइस सिद्धांत जायसवाल ने जो है अपना फिजिक अपडेट शेयर किया है। अगर हम जो इनकी फिजिक की बात करें तो फिजिक को जो है डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। मिडल सेक्शन काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ओब्लिक्स भी काफ़ी अच्छी हैं और शोल्डर और बेस्ट रेशियो की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम जो है इनकी बैक की बात करें तो लैट्स में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट किए हैं, शोल्डर्स काफ़ी बड़े लग रहे हैं और इनकी जो वेस्ट स्मॉल होने के कारण जो है वी टेपर जो है काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो गाइस देखते हैं कि इस बार जो है सिद्धांत जायसवाल प्रो कार्ड को जीते हैं या नहीं। आपका ओपिनियन क्या है मुझे जो है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।